स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कंकाल मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? ए पट्टाबेट, बी प्रभासपाटन, सी अल्लाबदिनो, डी बलेकत। आंसर ए पट्टाबेट। एक्सप्लेनेशन, गुजरात के कच्छ शहर में पुरातात्विक खुदाई से 5200 साल पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती का पता चला है। पट्टाबेट नामक स्थानीय टीले से खुदाई में उन्हें एक कंकाल मिट्टी के बर्तन और कुछ जानवरों की हड्डियां मिली हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? ए मलावी, बी जिम्बाब्वे, सी जाम्बिया, डी मोजाम्बिक। आंसर बी जिम्बाब्वे। एक्सप्लेनेशन, जाम्बिया और मलावी के साथ साथ जिम्बाब्वे ने पूरे दक्षिणी अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। राष्ट्रपति एमरसन मनांगागवा ने अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा हुई, जिससे देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में लैंसेट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी भारत। आंसर सी भूटान। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने जीवन प्रत्याशा में विभिन्न सुधार दिखाए हैं, जिसमें भूटान 13.6 वर्ष की वृद्धि के साथ अग्रणी है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ उन अतिरिक्त वर्षों की औसत संख्या का अनुमान है जो एक निश्चित आयु का व्यक्ति जीने की उम्मीद कर सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने उद्योगों के लिए यूरोपीय मानकों को अपनाते हुए नया पर्यावरण कानून पारित किया है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इजराइल। आंसर डी इजराइल। एक्सप्लेनेशन, इजराइल में नेसेट प्लेन ने उद्योगों के लिए यूरोपीय मानकों को अपनाते हुए एक नया पर्यावरण कानून पारित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सुधार और 820 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। सुधार का उद्देश्य इजराइल को यूरोपीय संघ के पर्यावरण मानकों के अनुरूप बनाना, प्रदूषण और जोखिमों को कम करना है। अगला प्रश्न, भारत में किस कंपनी ने 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है? ए एजोर पावर, बी टाटा पावर सोलर, सी अदानी ग्रीन एनर्जी, डी विक्रम सोलर। आंसर सी अदानी ग्रीन एनर्जी। एक्सप्लेनेशन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के विशाल खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी स्थापित की है, जिससे वो 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है।